अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। ये जो छोटा सा ब्लॉग है, नाश्ता करने के बाद टाइम को मैं सुला देती हूँ। टाइम की मैं रूटीन सेट की हुई है, वो उठ जाता है तकरीबन 8 बजे और सो जाता है दोबारा 12 बजे, और 12 बजे से 2 बजे तक सोता है। मेरे पास ये 2 घंटे होते हैं प्रॉपर अपना काम करने के लिए। उसके बाद मम्मा 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 और मम्मा उसके गोदी में, कभी दाएं मम्मा की गोदी में। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन निकाली थी, अब आप लोग बताएं पर्पल मैक्सी के साथ कौन सा कम्बिनेशन जाएगा, कौन सा कंट्रास्ट जाएगा, ब्लैक जाएगा, सिल्वर जाएगा या ब्राउन जाएगा। ये 3 ऑप्शन हैं, मुझे 3 समझ लग रही थी। मैक्सी मेरे पास थी नहीं, अभी ब्रांड ने डिलीवर नहीं की थी शूट के लिए, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। ये जो मैंने जूतियों वाला स्टैंड मंगवाया था, इसके अंदर जूतियाँ फुल फुस फुस कर रही हैं और बहुत से बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि जूतियाँ बंद रहती हैं और फिर पहननी भी इतनी होती हैं। तो कल मैंने ये ना 3 ड्रॉर्स खोल लिए थे, पंखा एसी चला दिया था, मैंने कहा थोड़ी सी वेंटिलेशन हो जूतियों के अंदर, तो लेदर की इतनी अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई थी ना। यहाँ पे जी मैंने अपनी बैग पैक किया शूट के लिए। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे होंगे आप शूट के लिए बैग क्यों पैक कर रही हैं। अच्छा, शूट के लिए मैं अक्सर मोस्टली ना बैग ही पैक करती हूँ, क्योंकि शूट 1-2 तो होते नहीं है, 10-11 इकट्ठे में करती होती हूँ। जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इस तरह क्या होता है कि हर चीज़ सिमटी रहती है और हर चीज़ का पता होता है। ये देखिए, इसके अंदर मैंने मेकअप रखा, एक्सटेंशन रख दिए, हेयर एक्सेसरीज रख दी, सेफ्टी पिन्स रख दी, बैग्स रख दी, हर चीज़ जो ज़रूरत की होती है ना, जो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। लेंस हो गए मैं अपने साथ रखती हूँ, फिर बाद में ना बहुत ज़्यादा हैसल हो जाती है, पता नहीं चलता कहाँ जा रहा होता है कहाँ नहीं जा रहा होता है। जब मूड ऑफ हो जाए ना शूट में स्माइल होती है, ना एक्शन निकलते हैं, ना हुसन निकलता है। ये मैंने सारे बैग्स रखे थे, मैं कोशिश करती हूँ डबल ऑप्शंस रख लूँ। सपोज़ के 5 शूट है ना, तो मैं 10 शूट का सामान रख लेती हूँ। कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग सकती, तो रिस्क लेने से बेहतर है थोड़ा सा बंदा ना तरद कर ले। सारे मैंने जूते रख दिए और इसी तरह मैं दबा दबा के इस तरह ना जो अंदर वाली साइड होती है, नीचे वाली साइड, उसको दरमियान में करके इस तरह रख देती हूँ। अब कौन अलग अलग शॉपर में इस तरह डाले, सुस्ती होती है, गलत बात है, शॉपर में अलग अलग जूते डालने चाहिए, लेकिन बस इसी तरह ही मैं ना कर लेती हूँ काम, क्योंकि डेली का काम होता है। और जब जूते पहन लेती हूँ तो मैं प्रॉपर ना साफ़ करवा के रखती हूँ, इसलिए थोड़ी सी मुझे तसल्ली होती है कि साफ़ साफ ही हूँ। वैसे मैं बहुत गंदी कोशिश करती हूँ मैं साफ़ सुथरी रहूँ, लेकिन अपने घर में ना सबसे गंदी मैं हूँ। मुझे मिट्टी बुरी नहीं लगती, मुझे खलारा बुरा नहीं लगता, मुझे रौनक लगती है। मेरे स्टूडियो में खलारा जब तक नहीं डला होगा ना, तब तक मुझे सुकून नहीं आता। मतलब ठीक है, सफाई पसंद हूँ मैं, जिस तरह मैं अभी स्टूडियो की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि शूट इतने ज़्यादा थे कर लिए और सारा कुछ मैसअप हो गया और फिर दोबारा नए शूट्स आ गए, उनके लिए बैग पैक किया, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी सफाई रखनी पड़ती है अपनी तसल्ली के लिए कि मुझे चीज़ें मिल जाएं, वरना मैं इतनी साफ़ सुथरी नहीं हूँ। सारी अम्मी भी मुझे बोलती हैं, अम्मी सास वैसे भी मुझे बोलता है मरियम थोड़ा सा ख्याल रख। मम्मा मैं कहती हूँ मरियम कितना ख्याल रखे, इतने PR पैकेजेस, इतने कपड़े, इतना सब कुछ कैसे हैंडल करूँ मैं, पागल होने वाली हो जाती हूँ। गिवअवेज भी कर देती हूँ, किसी की हेल्प भी कर देती हूँ, किसी की शादी होने पर उनको भी डब्बे बना बना के दे देती हूँ, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी डेली का जब जहाँ पे काम हो वहाँ इतना तो खलारा डलता ही है। फिर पैकिंग होती है, फिर शूट होते हैं, फिर अनबॉक्सिंग होती है, फिर कुछ और ट्राई के लिए चीज़ें आई होती हैं, फिर बच्चों का भी सामान होता है, अपना भी सामान होता है। अपना तो मेरा बहुत ही ज़्यादा होता है ना, बच्चों और मियाँ का तो कम ही होता है। ईमान स्कूल से आ गई है, ईमान को मैंने नाश्ता करा दिया, नाश्ता नहीं सॉरी सर दूध उसने पिया था, लंच मैंने उसको हैवी दिया था, कहती मम्मा पेट फुल है, दूध दिया। नीचे मैंने कार्टून लगा के दे दिया, मैंने कहा जरा अब तुम घंटा कार्टून देखो। फ़ोन बहुत कम देती हूँ ईमान को मैं, मुझे होता है कि TV पे बैठ के दूर देख ले घंटा या 2 घंटे जितने इससे देखने, फिर इसके स्कूल का टाइम हो जाता है, फिर कार साहब का टाइम हो जाता है, सर भी आते हैं इसको पढ़ाने के लिए। पहले ना कार्टून बहुत ज़्यादा देखती थी, पढ़ा तो मैं इसको देती हूँ, लेकिन मुझे होता था कि इसका ना स्क्रीन टाइम कम हो। स्क्रीन टाइम कम करने का मुझे यही तरीका नज़र आया, सर भी हैं 2 घंटे पढ़ाएं, कार साहब भी हैं 2 घंटे पढ़ाएं, 4 घंटे ये गया, स्कूल से आके थक जाती है, थोड़ा देर TV देख लेती, खा पी लेती है, फिर 9 बजे मैं इसको दोबारा सुला देती हूँ। इस तरह ना अब माशाल्लाह इसकी रूटीन बहुत अच्छी मैंने सेट कर दी है। दाइम की भी अभी छोटा है, जब स्कूल जाने लगेगा फिर पता चलेगा। और यहाँ पर मैं स्टूडियो साफ कर रही थी, कुछ बैग सेट कर रही थी, यहाँ पर कॉस्मेटिक्स रखे हुए हैं, परफ्यूम्स रखे हुए हैं, वो सेट कर रही थी। और जी कुछ भी नहीं, ज़िंदगी चल सुचल चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। अब आप लोग बताएं आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आजकल। तो सही बताऊँ इतने काम होते हैं कि YouTube वीडियो बनाने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैंने आज सोचा आज इस तरह ना व्लॉग बना लिया जाए। सफाई तो मैं कर ही नहीं हूँ, हर चीज़ समेट रही हूँ। और जो पूछ रहे थे आप या बैग्स अपने किस तरह संभाल के रखती हैं, तो जो बैग्स का पाउच होता है ना, तो मैं पाउच के अंदर ही कोशिश करती हूँ रखूँ। ये जो है ना ये टोट बैग किसका है, मार्क जैकब का, इतना बेकार, मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी ये वाला बैग, लेदर वाला। वो एक होता है, एक और स्टफ़ में आता है मार्क जैकब का बैग, कौन सा रैगजीन, नहीं रैगजीन कहाँ से आ गया,
वो बहुत अच्छा है, जो लेदर वाला है ना बिल्कुल बेकार बैग है। ये थे जी कपड़े जो शूट के लिए हैं, इस्त्री हो गए थे, मैं चेक कर रही थी, उसके अंदर सारा ट्राउज़र दुपट्टे सारे पूरे पूरे हैं, क्योंकि ना चेक करूँ तो दो तीन दफ़ा ऐसा हुआ कि दुपट्टा घर रह गया, ट्राउज़र घर रह गया, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है, तो इसलिए फिर डबल चेकिंग करनी पड़ती है हर काम को स्मूथली चलाने के लिए। और वैसे भी जिस काम के अंदर इंसान घुस जाए ना, उसको फिर अच्छी तरह कर ही लेता है। बाकी लोगों को लग रहा होता है कि मुश्किल काम है, ये काम है, वो काम है, और अगर अब मुझे दो तीन दिन में काम ना करूँ ना, मेरा सर दुखना शुरू हो जाता है, इतनी आदत पड़ जाती है इंसान को अपने काम की। एक फैंसी सूट है, और ये कुछ कपड़े थे जो मैंने अपने इस्त्री करवाए थे। ये वाला सूट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये कहाँ का सूट था? ये ज़ारा शाहजहाँ का सूट था, जो सामने ब्लैक है। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये है सफ़ाया का सूट। कुछ अनबॉक्सिंग कर ली थी, उनको मैं साइड पे रख रही थी, और जो पूछा था इतने कपड़े आप क्या करती है, देखो अब जो मैंने फैंसी फैंसी सूट अनबॉक्सिंग किए ना पिछले दिनों में, सारे रिटर्न चले गए। मैंने अनबॉक्सिंग कर दी, डमी पे लगाया, तस्वीरें बना ली, सारा कुछ हो गया, मुझे उन्होंने अनबॉक्सिंग के पैसे दे दिए, और उन्होंने अपना राइडर बुलाएंगे और वो सूट उनके पास चला जाएगा, क्योंकि वो सूट हर ब्लॉगर के पास जाना है, हर ब्लॉगर ने उसकी अनबॉक्सिंग करनी है। अगर वो मुझे ही मतलब कि अगर वो सब ब्लॉगर्स को एक एक देना शुरू कर दे तो वो तो नुकसान उठाएंगे ना। ये एक और ब्रांड है, उसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अनबॉक्सिंग होती कैसे है, कि मैं किस तरह सारा कुछ सेटअप सेट सूट करती हूँ। अनबॉक्सिंग के लिए तो लाइट प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, वाइट लाइट भी हो और येलो लाइट भी हो, और एक प्लेन दीवार भी हो, और एक मुझे लगता है कि एक डमी भी होनी चाहिए जिसके ऊपर दुपट्टा या कुछ भी लटकाएं। फैंसी सूटों को ना वैसे दीवार पर लटका के सही उनकी लुक निकलती नहीं, इसलिए मैंने ये बाजी ली थी। और इसको सारा चार पाँच पुर्जों में हो जाती है और आसानी से पहनाया जाता है, थोड़ी मेहनत लगती है। ये जी लाइट्स हैं, मेरे स्टूडियो में कोई लाइट हैं तकरीबन 10 लाइट्स हैं, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल मैं 3 करती हूँ, बाकी मैंने कुछ स्टोर में रखी हुई हैं, कुछ गेस्ट रूम में पड़ी हैं, कुछ यहाँ स्टूडियो में पड़ी हैं। मौके और वीडियो की मुनासबत से फिर मैं लाइट्स निकालती रहती हूँ। अभी मुझे लाइट्स का इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कभी कभी लाइटिंग सेट होती भी नहीं है मुझसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना पहले था उससे बहुत ज़्यादा है, कि किस तरह रख के वीडियो बनानी है, किस तरह वीडियो ज़्यादा अच्छी बनेगी, किस तरह मुंह पे लाइट ज़्यादा अच्छी आएगी, किस तरह स्किन ज़्यादा अच्छी लगेगी। बाकी ये सारी अनफिल्टर्ड आप लोग के सामने है वीडियोज़, जिस तरह मैं काम कर रही थी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी। ये देखिए कि मैंने डमी ली थी हाफ वाली, और वो जो ब्लैक वाली है फुल ली थी ताकि फुल आउटफिट नज़र आए। इस तरह दुपट्टा लटका देती हूँ ताकि दुपट्टे की भी फुल लुक आए, और साथ ही इसके ट्राउज़र लटका दूंगी और शर्ट करूंगी मैं ऊपर। और क्या बात करें जी, और जो लोग काफ़ी लोग टर्की के बारे में पूछ रहे थे, आपकी कितना आपका खर्चा आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा काम हुआ जाता है। सस्ते से सस्ता होटल भी है, महंगे से महंगा होटल भी है, सस्ते से सस्ता फूड भी है, महंगे से महंगा होटल भी फूड भी है। अगर शॉपिंग की बात है तो मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी, ठीक है, जो भी मुझे बाहर से चाहिए होता है आराम से पाकिस्तान में बैठे बैठाए मिल जाते हैं, तो ना ही मैं इतना ज़्यादा कैश लेके गई थी अपने साथ। थोड़ा सा कैश ले गई थी कि मेरे पास इतना हो कि मैं अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आए तो चलो मैं ले लूँ, लेकिन मुझे कोई चीज़ पसंद ही नहीं है। जो सारे ब्रांड्स वहाँ पर हैं वो यहाँ भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। अब तो इंस्टाग्राम पर इतने पेजेस बन गए हैं, जो भी चीज़ ऑर्डर करनी होती है इंटरनेशनल हो गई, हैंड बैग्स हो गए, गुची शुची मुची जो भी हो गया, आप लोग आराम से घर ऑर्डर कर सकते हैं। ये था जी आज का छोटा सा निकम्मा सा ब्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।